नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लनटॉप। मध्य प्रदेश का उज्जैन, यहां भाजपा के युवा संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक रैली हुई। रैली एक मुस्लिम बहुल मोहल्ले से गुजरी। रैली के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई। इस हिंसा में मोहल्ले के ही चार लोगों पर एमपी पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगा दिया। इसके अलावा तीन और लोगों पर पुलिस ने दंगा भड़काने और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस और प्रशासन पर भेदभाव के आरोप हैं, जबकि पुलिस इन आरोपों से इनकार कर रही है। घटना 25 दिसंबर की है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 60 बाइक सवार और भाजयुमो के 300 कार्यकर्ता उज्जैन के बेगमबाग इलाके से गुजर रहे थे। पुलिस के मुताबिक रैली निकाल रहे लोग नारे लगा रहे थे। खबरों के मुताबिक इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस पूरी घटना में 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें भी आई हैं। लेकिन बेगमबाग इलाके में रहने वाले लोग अलग ही कहानी बताते हैं। कहते हैं कि उस दिन रैली कई मौकों पर इस इलाके से गुजरी और रैली में शामिल लोग बस नारे नहीं लगा रहे थे, बल्कि गालियां भी दे रहे थे। उज्जैन के शहर काजी खलीकुर रहमान ने एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, जब बेगमबाग से रैली निकल रही थी, तब वो लोग बस नारे नहीं लगा रहे थे, बल्कि चिल्ला चिल्ला कर गालियां दे रहे थे। इस बात से कुछ लोग गुस्सा गए, फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। यहां के निवासियों के घर, क्लिनिक और कई लोगों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। फसाद के एक दिन बाद यानी 26 दिसंबर को नगर प्रशासन ने इसी इलाके में कथित रूप से अवैध निर्माणों को गिराने की कार्यवाही शुरू कर दी। एक घर को पूरी तरह से गिरा दिया, जबकि दूसरे घर को क्षतिग्रस्त करके छोड़ दिया गया। साथ ही अधिकारियों पर यह भी आरोप है कि इसमें धार्मिक भेदभाव किया गया। बेगमबाग के निवासी मोहम्मद अयूब ने कहा है, पत्थरबाजी के वीडियो के आधार पर अधिकारी एक घर को गिराने आए, जिस पर से एक महिला पत्थर फेंकते हुए दिख रही थी। उन्हें पता चला कि वो घर हिंदू का है, तो उन्होंने वो छोड़ दिया और उससे सटा हुआ दूसरा मकान गिरा दिया। पुलिस पर यह भी आरोप है कि भाजयुमो की रैली में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। खलीकुर रहमान दावा करते हैं कि उन्होंने पुलिस को सबूत भी दिए, फिर भी रैली में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बस बेगमबाग में रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और अयाज मोहम्मद, वसीम असलम, शादाब अकरम और अल्तू असलम के खिलाफ रासुका के तहत केस दर्ज किया गया। इनके अलावा इन तीन लोगों के खिलाफ धारा 307 यानी हत्या का प्रयास, 147 यानी दंगा फैलाना, 323 यानी चोट पहुंचाना और 423 यानी झूठा बयान देना के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक एक महिला को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि एक अभी भी फरार है। इस मसले पर भाजयुमो का क्या कहना है? संगठन के जिला अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कहा है कि भाजयुमो पर पहले भी हमले होते रहे हैं। उन्होंने कहा है, ये सातवीं बार है कि हमारी रैली पर हमला हुआ है। कार्यकर्ताओं पर पत्थर, पाइप, कुकर और गर्म पानी से हमला किया गया और अपनी तरफ से की गई कार्रवाई पर बोल दिया कि हमने ऐसा बचाव में किया था। पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? मकान गिराने वाले आरोपों पर उज्जैन के कलेक्टर से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन उज्जैन के एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो के आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं और लोगों की शिनाख्त जारी है। उन्होंने कहा, बेगमबाग सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाका है। जिनके खिलाफ रासुका में मुकदमा दर्ज किया गया है, उनके पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। एक एफआईआर में 7 लोग नामजद हैं और दूसरी एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ है, जबकि तीसरी एफआईआर में रैली में से एक व्यक्ति की शिनाख्त की जा चुकी है। इस मामले में कोई और अपडेट आती है तो हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहे लल्लनटॉप। शुक्रिया।